मैग्नेटिक वेव्स आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। अगर आप वहां सो रहे हैं और पीछे की तरफ आपका टीवी ऑन, टीवी मतलब मेन स्विच में आपने नहीं ऑन किया, ऑन है और आपका टीवी ऑफ है, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे और वो जाकर के कैंसर डिसीज तक लेके जाती है। अदरवाइज माइग्रेन पेन, स्लीपलेसनेस, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जनरली ऐसा बोलते हैं कि कहीं भी इलेक्ट्रिक वायरिंग अगर आपकी है तो उससे कम से कम एक मीटर के अंतर पे सोना चाहिए इलेक्ट्रिक वायरिंग से। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ भी है तो भी वो उसके अंदर से, वायर के अंदर से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, माइल्ड वेव निकलती हैं, वो अपने ऊपर इफेक्ट करती हैं। मैं पूरी डिटेल आपको देता, मेरा आज पेन ड्राइव रह गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने उसके अंदर पूरा निकाला हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है और क्या और उसकी टॉलरेंस कितनी है और उसके ऊपर कैसे वो काम करती है। हाई टेंशन वायर, अपने ऊपर से जाने वाला कोई भी वायर हाई टेंशन के बाद में लो लेवल पे, या फिर जहां हम सोते हैं या बैठते हैं उसके पास अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। अब ब्रेन में मेनली वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करके, जैसे अपन बोलते हैं कि सेल फोन है, सेल फोन अपने ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है। यहां हम रखते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है, तो ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। मैं उसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं वो अपना इफेक्ट देता ही है। सेलफोन तो सेलफोन जनरली अपन यहां लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मोस्टली सभी यहां रखते हैं प्रैक्टिकली, उसका इफेक्ट जरूरी है। एक अगर बीम ऊपर है, जहां आप सोते हैं उसके ऊपर बीम है, ये भी माइग्रेन को, हेडेक को क्रिएट करेगा। तो जब भी सोते हैं, चाहे ऑफिस में हो या अपने घर में हो, बीम को अवॉइड करेंगे तो ये बहुत सी टेंशन से, मानसिक तनाव इसकी वजह से होता है, बीम की वजह से। तो बीम को अवॉइड कर सकते हैं अपन। एनी क्वेश्चन? अगर वो बीम है तो उसका रेमेडी है, बीम एक्चुअली नहीं निकाल सकते, कोई कोई घर में ऐसा है। पिरामिड की प्लेट आती है, कैसी? हाँ, की प्लेट आती, प्लास्टिक के पिरामिड की प्लेट आती है ऐसे। हाँ। उसमें ऐसे 9 पिरामिड बने होते हैं प्लेट में। ऊपर कैसे उसमें पिरामिड्स आते हैं? बीम के ऊपर लगाना पड़ता है। हाँ, ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। ये प्लास्टिक का ही, इतना एक ही लगाने का, बहुत बड़ा है। जितना भी बड़ा हो उतने पोर्शन में लगाना पड़ेगा और उसके नीचे फिर उसको आपको वाइब्रेशन कितनी है, उसके नीचे कितनी रिड्यूस हुई है, वो इफेक्ट करती है। बहुत से लोग आजकल मैंने देखा है कि वास्तु नाम पे पिरामिड लगाने के लिए बोलते हैं। आप में से किसी ने वो ट्रेनिंग लिया है क्या वास्तुशास्त्र के लिए? पिरामिड का, डॉक्टर भट्ट का प्रोग्राम चलते हैं, कुछ 15,000 रूपया, 10,000 रूपया कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम का है, और सिर्फ आप पिरामिड लगाइए उससे वास्तु करेक्ट हो जाएगा, ऐसा उनका ब्लेम क्लेम है। ये जो पिरामिड है, एक पिरामिड अगर रखा है, पहले तो पिरामिड का मालूम होना चाहिए है। पिरामिड के 3 डिग्री होती है, एक तो ट्रायंगल की डिग्री है, अपन पुट्ठे का पिरामिड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एक ट्रायंगुलर काट लेते हैं, 4 ट्रायंगल काटा और 4 ट्रायंगल काट करके उनको पर्टिकुलर डिग्री पे मिला दिया, तो जिस डिग्री पे मिलाते हैं वो डिग्री होती है 52 डिग्री। पिरामिड जो गीजा की पिरामिड है उसकी एग्जैक्ट डिग्री है 51 डिग्री 51 मिनट 51 सेकंड। अगर कोई भी पिरामिड इस डिग्री पर बना है तो वो आपको वो गीजा के पिरामिड की एनर्जी देगा। गीजा का जो पिरामिड बना हुआ है वो धरती के सेंटर में बना हुआ और उसका जो पॉइंट है ऊपर का वो सीधा जाके ध्रुव तारे से मिलता है।
और पिरामिड की एक एक डायमेंशन जो है वो पूरी पृथ्वी की कैलकुलेशन को करते हुए बनाई गई है, पूरी पृथ्वी की। और पिरामिड की जो एनर्जी है, पिरामिड की एनर्जी, सपोज ये आपका 3 इंच का पिरामिड है, थर्ड ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द पिरामिड, 1 इंच के लेवल पे उसकी सुप्रीम एनर्जी होती है। और जिस चीज को आपको एनर्जाइज करना हो उसकी वॉल्यूम 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनल वॉल्यूम जो है पिरामिड का, पिरामिड का जो इंटरनल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 5% आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको पिरामिड की हाइट से 1/3 लेवल पे, ग्राउंड से 1/3 लेवल पे आप रखेंगे और 5% की उसकी वॉल्यूम होगी तो वो उसको इफेक्ट करेगी। पिरामिड की जो जनरली लैंग्वेज के अंदर उन लोग बताते हैं उसको बोलते हैं पायरा इन द मिडल, दिस इज पिरामिड। लेकिन जहां तक मैंने सीखा है या मैंने पिरामिड जो गीजा के पिरामिड बने हुए हैं मिश्र के, वो भारतीय एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अंदर डॉक्टर ओक की बुक है, उसने कहा है कि पिरामिड जो बने थे, गीजा का जो पिरामिड बना हुआ है वो भगवान राम के लड़के कुश ने बना है। और वहां के मिश्र की सबसे बड़ी सर्वोच्च उपाधि है उसको बोलते हैं रामाशेष। और श्री राम के लिए जो तिलक करते हैं ऐसे, उसके जो आर्किटेक्ट है वो वहां जो खुदा हुआ है, आर्किटेक्ट का जो खुदाई की नक्शा बनाया हुआ है मूर्ति, उसके ऊपर अंगोछा भी है और तिलक भी है माथे पे आर्किटेक्ट के। तो उस आदमी का क्लेम है कि ये भगवान राम ने मिश्र में उसको भेजा था अपने लड़के को राज्य करने के लिए, वहां पर क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए छाया चाहिए, वहां कहीं भी हरियाली नहीं थी तो वो उसके लिए पिरामिड बनाया था। ये एक इंटरप्रिटेशन है किसी एक विद्वान का, इंडियन विद्वान का, ये बनाया था। लेकिन कुछ एडगर केसी का, आप में से एडगर केसी की यहां किताब होगी, एडगर केसी ने बोला है कि 10,000 वर्ष पहले रिजुविनेशन के लिए मैंने इस पिरामिड की रचना की थी। एडगर केसी ने बोला कि 10,000 वर्ष पहले इस पिरामिड की रचना मैंने की थी मेडिटेशन के लिए और रिजुविनेशन के लिए, पूरी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है इस पिरामिड के अंदर। अगर 1/3 पोर्शन के ऊपर, वहां पे अभी भी कब्र में 1/3 पोर्शन के ऊपर ही एनर्जी है, वहां पे अगर बैठ करके वहां पे ओंकार का अगर जाप करता है कोई, ओंकार का, मेरे पास एक फ्रेंड मेरे गए थे, उन्होंने बोला वहां ओंकार बोलो तो उसकी जो फीलिंग रिफ्लेक्ट बैक में आती है वो बिल्कुल अलग होती है, उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते जो पिरामिड के अंदर, क्योंकि अभी तो ओपन हो चुका हो उसके लिए। तो पिरामिड जो बनते हैं, वो जो पिरामिड अभी बात कहां की किधर हो रही, तो पिरामिड इसके एंगल के ऊपर जो एनर्जी होती है उसकी जो स्टिमुलेटिंग एनर्जी है वो यहां से मिलेगी नीचे से, ये एनर्जी टॉलरेबल नहीं होती यहां पॉइंट्स की। तो जो पिरामिड की आज पद्धति बताते हैं उसमें मैंने देखा वो क्या करते हैं, पूरे रूम में चारों तरफ पिरामिड लगा दिए, पिरामिड के जो आजकल प्लास्टिक के देखा, और वो पूरी की पूरी एनर्जी उसका जो पॉइंट्स होता है वो पॉइंट्स पूरे कमरे के अंदर उसकी एनर्जी आती है और पूरे कमरे को नेगेटिव बना देती है। मैं एक शॉप में गया, देखा पूरी दुकान के अंदर चारों तरफ वो पिरामिड ऊपर छत पे लगा है। मैं बोला कितना टाइम हो गया लगा के, बोले 3 बरस हो गए। बोले क्या फर्क है? बोले कुछ भी नहीं, धंधा और मार खा गया।
धंधा और मार और मारता है। तो जो पिरामिड है, पिरामिड की उपयोग और दूसरे, मैंने 10 वर्ष तक स्टॉल लगाए हैं ये एक्यूप्रेशर पिरामिड कलर थेरेपी वगैरह के, मैग्नेट थेरेपी वगैरह के 10 साल तक, और 10,000 से ज्यादा मैंने नक्शे चेक किए वास्तु के हिसाब से। अभी तो 15,000 हो गए होंगे, मैं 10 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं आपको, वास्तु के नक्शे। तो मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जो पिरामिड है इसकी एनर्जी इतनी इजी नहीं है जो हर आदमी एब्जॉर्ब कर सके। उस टाइम में मैंने देखा एक स्टॉल के ऊपर, और पिरामिड की चिप्स देखोगे ना आपने, छोटी चिप्स आती है उसमें 9 पिरामिड बने होते हैं, तो वो कॉपर की चिप्स वो बेच रहे थे कि भाई आप हाई एनर्जेटिक है, आप इसको यहाँ पे बांधिए रिस्ट वॉच के तरीके से। ह्यूमन बॉडी मेटल का पिरामिड की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो इतनी हाई एनर्जी होती है उसकी कि आप ह्यूमन बॉडी पे उसको नहीं लगा सकते। हाँ, प्लास्टिक का जो पिरामिड की चिप्स आती है छोटी वाली, वो आप लेंगे तो आपको काम करेगी, लेकिन अगर आप मेटल की कॉपर की लेते हैं तो वो काम नहीं करेगी। वास्तु में हम लोग यूज करते हैं अर्थ एनर्जी की बैलेंसिंग के लिए कॉपर की पिरामिड प्लेट्स, लेकिन ह्यूमन बॉडी के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो पावर है जितनी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है वो उससे काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो प्लास्टिक के पिरामिड आप यूज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी पर। मेटल के पिरामिड आप कभी यूज मत करिए, नहीं तो वो बहुत जबरदस्त इफेक्ट देगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा उसने इफेक्ट कब दिया। जरूरी नहीं है वो आज आपने पहना तो इमीडिएट आपको इफेक्ट दे, हो सकता है आपको साल भर बाद दे, 1.5 साल बाद दे, 6 महीने बाद दे, या तुरंत दे, लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो पिरामिड को बड़े केयरफुली वापरना चाहिए। मैंने जिस फेंगशी मास्टर से फेंगशी सीखा था उसने कहा था कि पिरामिड की कैप के अंदर बहुत से लोग बैठते हैं, पिरामिड के अंदर 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। अभी तो बिल्डिंगों के ऊपर पिरामिड बनने लगे हैं, जितनी अभी नई बिल्डिंग आ रही है फॉरेन में भी पिरामिड बनाते हैं, और वो पिरामिड के एंगल से बनाते हैं, लेकिन वो बहुत हार्मफुल है लॉन्गर स्टेज के अंदर, क्योंकि पिरामिड की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करने की पावर भी तो होनी चाहिए। तो पिरामिड के पॉइंट्स अपनी तरफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि फेंगशी में भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन है, हाई टेंशन, या यहां पर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो फेंगशी में किस लिए लगाते हैं, हमारी नहीं आते। अगर पॉइंट्स आपकी तरफ आते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, अगर घर के अंदर जो बीम होते हैं और बीम का जो एंगल है उसका जो पॉइंट बनता है वो भी अगर अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करता है तो वो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस देता है। इसलिए बहुत से अभी जो है और पिरामिड की एनर्जी तो बहुत ही खतरनाक है, नहीं क्वेश्चन लगाने को बोलता है, नहीं के लिए नीचे नहीं बोलते, उसमें समझो या दरवाजा है, समझो दरवाजे पे नेगेटिव एनर्जी है तो वहां पे बांसु मांसुरी में यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और उसपे ड्रैगन का तो फेंगशी बांसुरी आप मांगेंगे तो बाजार में रेडी मिलती है। बीम नहीं बोलते, बांबू नहीं लगाते, बांसुरी लगाते हैं। आई सेक्शन बीम ही है लेकिन आई सेक्शन बड़ा है, हॉलो है और अंदर के रूम से भी हॉलो है, एक ही बीम जो पार्टीशन करता है दो रूम को। बीम का तो मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से मेरी नजर में उसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप सिवाय एक ही कर सकते हैं कि बीम के नीचे की तरफ आप पिरामिड लगाइए जिसमें पॉइंट ऊपर हो बीम की तरफ और हॉलो पोर्शन नीचे की तरफ हो,
तो हो सकता है सपोज आपका 2 फुट का बीम है और ये लगभग आता है 4.5 इंच का एक प्लेट जो आता है ना प्लास्टिक का जो पिरामिड प्लेट है वो 4.5 इंच का आता है, हो सकता है आपको 4-5 लगे, तो उसमें एल्यूमिनियम की स्लाइड वो आती है चैनल्स जो होल्ड कर सकती है, टी चैनल्स आते हैं एल्यूमिनियम के, उसके अंदर से आपको पिरामिड डाल सकते हैं, अदरवाइज पिरामिड आपको आपको बीम अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ सर ऐसे भी